दुनिया भर में इतना पॉपुलर क्यों है भारत दोस्तों? हिंदुस्तान की ऐसी कई बातें हैं जो पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती है। यहाँ हम उन्हीं कुछ बातों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया के कई देश भारत के कायल हैं। भारत की विविधता और एकता पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती है। प्राचीन इतिहास, विविध संस्कृति, अलग अलग धर्मों और भाषाओं की खूबसूरती ने दुनिया का ध्यान इस देश की ओर खींचा है। कहीं विशाल समुद्र तो कहीं ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, कहीं घने जंगल तो कहीं दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, कहीं मैदानी इलाकों की सुंदरता तो कहीं चट्टानों का आकर्षण। प्रकृति का ऐसा रंग शायद ही किसी देश में एक साथ देखने को मिले। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किमी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में दुनिया की 18% आबादी रहती है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या लगभग 911 मिलियन के करीब थी। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। 1967 में इसमें 21वें संशोधन के बाद सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मैतेई, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। 2003 में 92वें संशोधन द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैतेई, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल है। माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में किया गया था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शतरंज भारत में एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था। भारत से यह खेल फिर अरब और उसके बाद यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक फैल गया। योग साधना का इतिहास पूर्व वैदिक काल का रहा है। ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति 5000 साल पहले भारत में ही हुई थी। वेदों और उपनिषदों में भी योग का जिक्र मिलता है। भगवान शिव को हिंदू लोक कथाओं में पहला योगी या आदियोगी माना गया है। भारत के जंगलों में बाघों की संख्या लगभग 2967 है। यह देश दुनिया की बाघों की आबादी का 70% है और इनकी संख्या देश में तेजी से बढ़ भी रही है। साल 2018 की बाघ जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 सालों में भारत में बाघों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हुई है। 2006 में बाघों की संख्या 1411 के करीब थी। भारत 4 धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन वन और सिख धर्म की जन्मस्थली है। इन धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई है। इतना ही नहीं, इन धर्मों का पालन अब दुनिया की लगभग 25% आबादी भी करती है। माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सिख धर्म का इतिहास 15वीं शताब्दी का है, जब इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। भारत दुनिया के लगभग 70% मसालों का उत्पादक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा लिस्टेड 109 किस्मों में से लगभग 75 मसालों का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा देश को मसालों के सबसे बड़े उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में भी जाना जाता है। यह अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश सहित कई देशों को मसालों का निर्यात करता है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। फिल्मों के मामले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारत हर साल हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 1500 से 2000 फिल्में बनाता है। भारत अकेला ऐसा गैर इस्लामिक मुल्क है जहां 3 लाख से ज्यादा सक्रिय मस्जिद हैं। यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों का घर है। कई इस्लामी देशों में भी भारत की तुलना में मस्जिदों की संख्या कम है। आयुर्वेद की उत्पत्ति भी भारत में हुई थी। कहा जाता है कि वैदिक युग के दौरान भारत में आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।